जय श्री राम नमः शिवाय नमो हरि हंताय नमो शिवाय नमो वायुयाय नमो वज्राय नमो लोये सर्वसा नमः शमसाराय सानुत्याचकास्ते चिस्वाय सर्वावान्तरचे। एक तो आत्मा जानने में आता ही नहीं, पांच इंद्री का विषय नहीं। जैसे तैसे शास्त्रों के आधार से हम जानते हैं कि आत्मा है, आत्मा ज्ञान दर्शन वाला है। अच्छा वो ही हो जानना देखना, हाँ अच्छा अच्छा। तो कीमत ही नहीं आती उसकी। आत्मा माने ऑर्डिनरी थिंग, ज्ञाता दृष्टा। अच्छा हाँ हाँ वो ही ठीक। इसलिए आचार्य देव आत्मा की अनंत शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं। आत्मा माने खाली डब्बा नहीं है, आत्मा माने कोई खाली बोतल नहीं है जिसमें कुछ दम ही नहीं है। वर्ल्ड का सबसे पावरफुल चीज है, जैसे बच्चों के सामने शक्तिमान का नाम दे तो कितने चमत्कारी आदमी दिखता है सब। शक्तिमान क्या स्पाइडर मैन, जैसे कोई नाम लो तो एकदम पावरफुल आदमी नजर आता है। सुनो वो तो नकली दुनिया है, नकली बातें हैं, यहां सचमुच शक्तिमान है। अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति। एक एक शक्ति का नाम और वर्णन हो अद्भुत। बहुत सारी शक्तियां हैं, स्वभाव रूप शक्तियां भी बहुत सारी हैं, अनगिनत अनंत है अनंत। फिर भी हम कुछ शक्तियों की चर्चा कर रहे हैं। आज ऐसी शक्ति की चर्चा करेंगे थोड़ी सी, है सब स्वभाव रूप, एकदम पावरफुल शक्ति है, एकदम पावरफुल। उसका नाम है योग्यता शक्ति। योग्यता, योग्यता शब्द आता है ना जब, तो पूरा द्वादश अंग एक तरफ और योग्यता वर्ड एक तरफ। इतनी पावरफुल शक्ति है, यदि हमारे जिनागम में से योग्यता निकाल दे, धराशायी, द्वादश अंग फैल, द्वादश अंग खत्म, कोई बचे ही नहीं। आहा, शब्द कितना कम लग रहा है योग्यता। तो मैं योग्यता समझाता हूं, कोशिश करूंगा। और फिर इसकी और शक्तियां हैं योग्यता रिलेटेड, आज योग्यता रिलेटेड शक्तियों की चर्चा करेंगे। एक योग्यता जबरदस्त है तो फिर और शक्तियां तो मल्टीपल हो जाएंगी बहुत। मैं भी सोच रहा हूं, आप भी सोच रहे हो योग्यता क्या चीज है। समझाऊं थोड़ा सा, इसके बाद फिर थोड़ी सूक्ष्म होगी ना, स्थूल दृष्टांत देके सूक्ष्म बात करोगे तो स्थूल से जल्दी समझ में आ जाएगा। देखना मैं चमत्कार शुरू करता हूं, चमत्कार हाथ की सफाई नहीं, चमत्कार। योग्यता समझना, ध्यान रखना आपको योग्यता समझनी है। एक होता यदि हमारे हार्ट में दर्द हो तो आदमी ऑपरेशन करेगा कि जानवर, सब भी बोलो हैं? कौन से, आदमी से कि जानवर से? पक्का फाइनल? अब सुनो, आदमी तो गांव का अनपढ़ आदमी भी है, पढ़े लिखे से करवाओ कि अनपढ़ से करवाओ? पक्का? आप तो पक्का करो, एक बार बदल गए तुम। चलो तो पढ़े लिखे से करवाओगे फाइनल? तो इंजीनियर पढ़ा लिखा है,
इंजीनियर पढ़ा लिखा तुमने कहा था पढ़े लिखे से करवाओगे बोलो इंजीनियर से करवाओगे एलएलबी से गोल्ड मेडलिस्ट है जी अब देखो आप ध्यान से सुनना ध्यान से आप सरकते सरकते योग्यता पे आओगे जानवर से नहीं करवाएंगे अनपढ़ से नहीं करवाएंगे पढ़े लिखे में से भी डॉक्टर से करवा लो अब तो कंफर्म मैं तो बदल जाते हो चल तो डॉक्टर से करवाओगे तो हार्ट का ऑपरेशन ईएनटी के डॉक्टर से करवाओगे आपने कहा था डॉक्टर एमबीबीएस है दोनों कि नहीं नहीं पंडित जी हार्ट का स्पेशल अच्छा ठीक अब और एक कदम आगे चलते हैं हार्ट के स्पेशलिस्ट से तो करवाओगे कि नहीं अब तो नहीं बदलोगे अब अपना बेटा हार्ट का स्पेशलिस्ट है अमेरिका से पढ़ के आया है वो नहीं अभी तक एक भी ऑपरेशन नहीं किया उसने अब अपना ही बेटा है और पैसे तो लगने ही नहीं अपना ही बेटा है लेकिन अभी तक उसने एक भी ऑपरेशन नहीं किया है बोलो नरेश जी आप किससे ऑपरेशन कराना पसंद करोगे अपने बेटे से या वो अमेरिका से आता है एक टॉपर जिसकी फीस है 80 लाख 80 लाख बोलो संवेक तुम्हारे ऊपर ही छोड़ देते हैं अपना बेटा से करवाने में जो फायदा कि फ्री में होगा उससे करवाएंगे तो 80 लाख लगेंगे बोलो वो लेकिन ऐसा है एकदम फेमस है जिसको कहते हैं जमा हुआ हाथ बिल्कुल उसके सारे मरीज स्वस्थ होते हैं बोलो किससे कराओ पैसे लगेंगे आपको अपने बेटे के भरोसे नहीं है आपको अपने बेटे के भरोसा नहीं है कि पंडित जी बेटा तो अच्छा है लेकिन उसकी प्रैक्टिस आप समझे अब और एक कदम आगे चलते थे अब तो अमेरिका से आ रहा है उसी से करवाना फाइनल पक्का तो सुनो उस अमेरिकन डॉक्टर की हमने यूट्यूब पर रिपोर्ट्स देखी रिपोर्ट्स एनालिसिस वो सुबह 8 बजे ऑपरेशन करता है ना स्टार्ट वो ऑपरेशन 100% सक्सेस होते हैं और रात को 2 बजे करता है वो 80% अनसक्सेस होते हैं 80% लेकिन सुबह जो 8 बजे का ऑपरेशन करता है ना वही डॉक्टर सेम डॉक्टर उसकी फीस है 1.5 करोड़ और रात को 2 बजे ऑपरेशन करता है उसकी फीस है 40 लाख डॉक्टर एक ही है डॉक्टर अब देखो डॉक्टर वही हार्ट का स्पेशलिस्ट है लेकिन सुबह से शाम तक थक जाता है ना और रात में 2 बजे तक तो 2 बजे के बाद वाले केस 80% बिगड़ जाते कितने 60 कितने परसेंट बिगाड़ देते 80 चलो 80% बिगड़ जाते हैं लेकिन पैसे भी कम लेता है वो लेकिन 8 बजे का 1.5 करोड़ लेता है और शाम को 2 बजे के बाद रात को 2 बजे के बाद 40 लाख लेता है बोलो कौन सा ऑपरेशन करवा दो अब मेरा प्रश्न समझ में आया कुछ आदमी वही है वह ऑपरेशन करता है या उसकी फ्रेशनेस उसकी योग्यता ऑपरेशन करती है सोचो शांति से मुझे क्या कहना है इसका मतलब हम काम नहीं करते हमारी योग्यता काम करती है तुम काम नहीं करते हो तुम्हारी योग्यता काम करती है और डॉक्टरों इलाज नहीं करता डॉक्टर की योग्यता इलाज करती है इसको हम कहते हैं जिनवाणी में तत्समय की योग्यता अब मेरे ख्याल से योग्यता का मीनिंग समझ गए योग्यता नियामक कारण है और एक कदम आगे चलूं ऑपरेशन करना है मुझे अभी जिनेंद्र देव की भक्ति से परिणाम नहीं सुधरते
नहीं सुधरते, पूजा करने से परिणाम नहीं सुधरते। पंडित अच्छा बता दिया आपने, मम्मी पापा के सामने बता दिया, ये बहुत अच्छा रहा। हम तो चाहते ही हैं कि सुनो, स्वच्छता के लिए नहीं बता रही बात, लेकिन सुप्रीम क्वालिटी की चर्चा है। सुनो, यदि मंदिर में परिणाम सुधर जाए तो मत जाओ ना घर, बैठे रहो, बैठो। परिणाम नहीं सुधरते मंदिर में बैठने से, परिणाम नहीं सुधरते। 10 समय की योग्यता हो तो परिणाम सुधरते। अमुक पूजन करने पर बहुत अच्छा लगता है तो करके बताओ, रोज करो अमुक पूजा, रोज करके बताओ। बताओ दुनिया में ऐसी कोई चीज बताओ, कोई सी भी चीज, अमुक पिक्चर, अमुक गाना, अमुक डांस जो तुम्हें हमेशा आनंद दे ना, बताओ एक भी चीज बता दो, एक भी जो आनंद दे दे आपको। सुनो, 10 समय की योग्यता से आनंद आता है। हा 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 हा, अब कितनी बड़ी बात बता दी, समझ में आया कुछ? तुम्हारे में योग्यता नाम की एक शक्ति है, तुम्हारे में योग्यता नाम की एक शक्ति है। काम होता है उस योग्यता से, और तुम आरोप डालते हो टेलीविजन पर, इसलिए तुम्हें टेलीविजन की महिमा आती है, मिथ्यात्व है। और जो योग्यता की महिमा समझते हुए सम्यक दृष्टि है, क्योंकि जब टीवी में से आनंद लगता है तुमको तो एनी हाउ टीवी खरीदोगे, और टीवी खरीदने के लिए फिर महंगा से महंगा खरीदोगे, महंगा से महंगा खरीदने के लिए हाउ टू एनी हाउ पैसा कमाओगे। फिर बात टेलीविजन अकेली नहीं है, कपड़ों में भी अनंत वेरायटी, बर्तन में भी अनंत वेरायटी, मकान में भी अनंत वेरायटी, पत्नी की भी अनंत वेरायटी, बच्चों की भी अनंत वेरायटी, घर में एक एक आइटम की अनंत वेरायटी। कोई भी माई का लाल हाथ खड़ा करके बता दे बे कि कपड़ा खरीद कर कोई सुखी हुआ हो, मनपसंद शर्ट खरीद के लाओ प्रसन्न होके लाओगे कि दुखी होगे, बोलो, सोचो जरा। मनपसंद शर्ट खरीद के लाओगे तो प्रसन्न की दुखी? झूठ, आज तक एक भी माई का लाल प्रसन्न होके नहीं लाया। बोलू मैं? बोलू बोलो। घर से तो निकलते हैं बड़े हवा में उड़ते हुए, आज शर्ट खरीद लिया, शर्ट 5000 रुपीज, मैंने जो भी जितना रख के ले जाता है, 500 5000, जिसका जिसकी रख लेता है, इतने अरमान के साथ शर्ट दिखाई, और उसने एक से एक शानदार दिखाई, एक से एक, अब 10 शर्ट पसंद आ रही है। और एक लेना रियल, गलत कह रहे बोले नहीं हूं तुम्हारे साथ ऐसा, और इतनी पसंद आ रही है, ये ले लू ये लू, एक भी छोड़ी नहीं जा रही, और 10 ले नहीं सकते। देखा देखा कि नहीं देखा है? फिर मालूम क्या होता है, फिर वो लीग राउंड एक नजर सब पे जाती है, लीग राउंड, फिर क्वार्टर फाइनल, देखा नहीं देखा, फिर 2 शर्ट सेमीफाइनल, फिर मन मार करके एक ले लेते, फिर अंदर में संकल्प करके जाते नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो ये भी दूंगा। अब सही बताए ना, प्रसन्न होकर खरीदी कभी सर? बोलो साड़ियां खरीदी प्रसन्न हो गए? आज तक किसी माई की बेटियां नहीं। भाई माई का लाल, माई की लाली, बिल्कुल बता दे कोई, इधर से इधर जल्दी आए करो, देर क्यों हो रही? चल समझ में आ रही बात? अब बोलो, आप में से कोई सुखी है 5 इंद्रियों की विषयों में? ईमानदारी से बोलो, सबके सब दुखी है, ये तो मन मार के रह रहे हैं। एक भी लड़का शादी करके खुश नहीं है, रियल कह रहा हूं मैं तो, जो बोलूंगा रियल बोलूंगा। इच्छा तो ऐसी होती कोई स्वप्न सुंदरी से शादी हो, वैसी मिलती नहीं। पंडित राजेंद्र कुमार जी के एक बहुत अच्छा बोल है, उनके स्वाध्याय भवन में लगाया मैंने,
विडम्बना है, विडम्बना जो भाती है वो मिलती नहीं, जो मिलती है वो भाती नहीं, जो होता है वो भाता नहीं और जो भाता है वो एक दिन सरल पढ़ते देशा इसलिए दी। आप एक भी आइटम बता दो, क्यों तुम अपने मोबाइल से खुश हो, चाहे बोले अप्पो का हो चाहे वो पप्पो का हो, क्या करके लगा हो, क्या करते हैं ना बिप्पो बप्पो भाई वो क्या क्या रहता है, और कोई सही हो ये तो 18-20 हजार का लेके भी दुखी हो, जब तुम्हें पता लगता है ना टीना अंबानी, अंबानी की मिसेज क्या नाम टीना नीता, नीता सर हमारी कौन भाभी है वो, जब तुम्हें पता लगता है ना 80 लाख 80 लाख रुपए का मोबाइल, तो हर महिला के मुंह में पानी आता है कब धन्य सो अवसर पाऊं। मैं ये सिद्ध कर रहा हूं आप सब दुखी हो, क्योंकि जो भाता वो मिलता ही नहीं है और जो मिलता है वो भाता ही नहीं है। ये तो अपन नकली खोज है, नकली खोज। बंबई में कोई फ्लैट बना लेते हैं 2-4 करोड़ का फ्लैट, मकान नहीं, मकान तो भाग में ही नहीं होता, मकान तो बहुत कम लोगों के भाग में होता है, वो फ्लैट बड़े खुश होते हैं, खुश खुश नहीं होते, ऊपर से खुश होते हैं। उनका बस चल जाए ना तो फिर उधर ले चौपाटी पे जू बीच पे मफाना कहना कहाँ कहाँ के बीच पे, अब मिलता ही नहीं हुआ, इतना पैसा ही नहीं होता, कुछ समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, मुझे कुछ कहना, ध्यान से सुनना इतनी बात कहकर के, तुम सब में घटाना है सब जगह, मेरी गारंटी है 5 इंच के विषय में तुम सुखी नहीं हो पाओगे, यहां तक तो बात होगी ना। अब मैं आगे कह रहा हूं, लेकिन जब तुम सुखी होते हो तब भी तुम उसके कारण सुखी नहीं होते हो, अपनी योग्यता से सुखी होते हो, ये बात गुप्त है, तुम्हें खबर नहीं है बात, तुम्हें लग रहा है टेलीविजन देखा इसलिए आनंद आया, हम कह रहे हैं आनंद आने की योग्यता थी इसलिए आनंद आया, टेलीविजन पर तो आरोप डाला है, मिथ्या दृष्टि को इसलिए टेलीविजन चाहिए, ज्ञानियों को केवल योग्यता का ज्ञान चाहिए, जल्दी बोल गए क्या बोले हमने, ज्ञानियों को योग्यता का ज्ञान चाहिए, वो उससे आनंदित होते हैं, समझ गए, हमारे आनंद करने के लिए पराश्रय नहीं है। पंडित साहब ने इतनी सुंदर बात कही, दुख के दो भेद हैं, एक आर्त ध्यान एक रौद्र ध्यान, दुख के दो भेद हैं आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, 1 करोड़ रुपये मिल जाए तुम्हें और इसका 1 करोड़ चला जाए तो बताओ इन दोनों से दुखी कौन होगा, बोलो, इनका 1 करोड़ चला गया इसका आ गया इसे मिल गया भाई प्रॉफिट हो गया, बोलो भाई इन दोनों में से सुखी कौन होगा जी, बोलो सुखी जी, दुखी धोखे में हो, ये रौद्र ध्यान से दुखी है, ये आर्द्र ध्यान से दुखी है। पंडित साहब ने समझाई बात, हमें हमारे दिमाग में नहीं, हम भी यही सोचते मजा आ गया मजा, जिस समय रसगुल्ला खाते हैं ना मजा आया, ये मजा नहीं आया दुख हुआ, रौद्र ध्यान नाम का दुख है ये, बहुत अभी समझ में मेहनत लगेगी थोड़ी सी, अनुकूल सामग्री पाकर जो प्रसन्नता है वो सुख नहीं है वो दुख है, उस दुख का नाम है रौद्र ध्यान, नहीं समझ में कठिन होगी थोड़ी सी बात, मैं पंडित साहब के मुखारवे से सुनी तब समझ में आएगी, तो हमें भी नहीं समझ में आती है बात, हमें भी यही लगता है अनुकूल सामग्री मिल गई आनंद आ गया, आनंद नहीं आया रौद्र ध्यान, दुख के दो भेद हैं आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, जी क्लेश कर रहे हरे मर गए लॉस हो गया लॉस हो गया लॉस हो गया, ये तो इसका तो दुख समझ में आता है आर्त ध्यान, तो ये दुखी हो रहा है ये किसी को नहीं समझ में आ रहा है, अब कठिन है थोड़ी समझाना पड़ेगा थोड़ा, नहीं समझाऊंगी नहीं समझाऊंगी, रौद्र ध्यान दुख है, पहले दृष्टांत देता हूं सरल सरल, क्यों बिना सरल दृष्टांत समझ में नहीं आएगा। आईपीएल का मैच चल रहा है और 14-16 साल का बच्चा आईपीएल देख करके बड़ा मस्त हो रहा है,
ठीक, उसके ग्रैंडफादर बीमार है, वो बार बार आवाज लगा रहे, बेटा संभे जरा हाथ फेर दे, जरा दवाई दे दे, पानी दे दे, जो भी कुछ देना आइटम इसको दे। और संभे को, अब संभे पढ़ा लिखा इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, तो ये बड़े से जस्ट बैट ओफो जस्ट ऑल राइट जस्ट कमिंग, और मजा कर रहे, ओए सिक्स 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 सिक्स, ओ मजा आ गया, मजा मजा, और जीत गए, इतने में एक्सपायर हो गए, एग्जाम एग्जाम बोलो बोलो। इस रौद्र ध्यान करना है, इसको कहते हैं रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान बनाए क्रूरता से, जिस आनंद में डूबने के बाद इसे आत्मा की होश ना आए, इसका नाम क्रूर रौद्र। रुद्र नाम सुना है, रुद्र महादेव का एक नाम है, रुद्र, रुद्र का रौद्र रूप, रौद्र रूप दुर्गा जी का रौद्र रूप देखा है, काली का रौद्र रूप, महादेव का रौद्र रूप, रौद्र माने दुष्ट रूप, क्रूर। सुना तुम जो प्रसन्नता थी, पिताजी चले गए, एक्सपायर हो गए, बेटा तुम बहुत क्रूर हो, सब लोग क्या बोलेंगे, कैसा क्रूर है, जो खांस रहे थे उन्हें दवा चाहिए, तुम पानी नहीं दे सके, मुझे क्या मालूम था कि चले जाएंगे। अब बताओ ये लड़का एंजॉय कर रहा था, ये दया नहीं कर रहा था, ये रौद्र है, रौद्र समझ गए, क्रूर। रौद्र भाव कहते हैं क्रूरता को। सुनो जब पांच इंद्र के विषयों में डूबा हुआ आदमी, उसे दया नहीं आती माता पिता की, गरीबों की, थोड़ा सूक्ष्म करें शुद्ध आत्मा की, आत्म कल्याण की रुचि नहीं जगती, इसलिए रौद्र ध्यान को दुख कहा है। अब तो समझ में आ गया सबको, रौद्र ध्यान दुख का है। समय नहीं, योग्यता काम में आती है ना, आती है, तुम्हें खबर नहीं है, इसलिए दुख रूपी योग्यता होगी, वो जब तुम्हें स्वरूप की खबर नहीं तो दुख रूपी योग्यता है, नहीं तो सुख रूप होती। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, आगे चलो। फिर से कहता हूं तो रौद्र ध्यान समझ में आया, रौद्र माने क्रूर। आपको पता है क्या लिखा है, सुनना सभी लोग, भेद विज्ञान करना चाहिए। तो हम सबको क्या लगता है पता है, जब अपन संकट में होते ना, देखो संतरण हो, भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान करो, नमोरियंतरण भेद विज्ञान करो, लेकिन जब अपन लड्डू खाते हैं, मजा करते हैं, टीवी देखते हैं, तो कोई कहता है भेद विज्ञान करो, तब तो कहती मैं एंजॉय करो, करोड़ रुपए कमा रहे थे ऐसा लगता है एंजॉय करो, नहीं भाई साहब, पाप के उदय में तो वेद विज्ञान करना ही चाहिए, लेकिन जैन शासन कहता है पौंडिक उदय में भी वेद विज्ञान करो। समझ में आ गई कि नहीं, पाप और पुण्य का उदय क्या है, तुम्हें लग रहा है कि वो दुख है सुख है, पुण्य का उदय दुख है, नहीं समझ में आए ना, अभी नहीं समझ में आए, अभी और समझाता हूं, दृष्टांत लेके सुनो, दृष्टांत देखे, रेलगाड़ी में तुम करोड़ों रुपए लेके जा रहे हो, मैं करोड़ों के रत्न लेके जा रहे हो, रत्न, और एक व्यक्ति आया और खूब अच्छी बातों में लगा लिया, मोबाइल दिखाने लगा, जी देखो वो देखो, जी देखो, और जूस पियो, फला करो, अब कल फ्री में रबड़ी खिलाए, पुण्य का उदय पाप का उदय, अरे फ्री में खूब बातों में ले लिया, उसने बातों में लगा लिया, खाओ खाओ और जी वो, और फिर तुम्हारा वो लूट के ले गया। बोलो पुण्य का उदय था कि पाप का उदय था, वो तुम पुण्य का उदय में वेद विज्ञान करना भूल गए, ठग तो नहीं है, सावधान रहना चाहिए, ये मैं जो फ्री में क्यों खिला रहा है, इतनी बातें क्यों दे रहा है, तुम भूल गए उसकी बातों में आ गए, तुमने अखबार भूल गए सारी सारी अखबार में, और कितनी घटनाएं हैं, और रेलवे स्टेशन पर भी लिखा रहता है, बातों में मत आप, दृष्टांत है वो, जिस समय तुम रबड़ी खा रहे थे और बातों में आ रहे थे, उस समय तुम्हें मजा आ रहा था कि दुख हो रहा था, मजा आ रहा था, यह है रौद्र ध्यान, और अब लुट गए तब तुम्हें लगा वो पुण्य का उदय दुख रूप है, पॉइंट पकड़ में आए, पुण्य का उदय दुख रूप है, अब इधर लगा, ऐसे पांच इंद्रिय की अनुकूल सामग्रियों का भोग कर रहे थे, है ना, तुम शुद्ध आत्मा को खो बैठे, रत्नत्रय को खो बैठे, केवल ज्ञान को खो बैठे, मोक्ष जाने का रास्ता खो बैठे, क्या कहलाता है वो,
You lost the, lose the opportunity. अब अब सब खो बैठे, जैसे अनंत बार केवल ज्ञान का अब सब खो बैठे। समोसरण मिला हमको, भगवान मिले, महाराज मिले, आचार्य मिले, घरधर मिले, हम अब सब खो बैठे। बोलो भाई, पुण्य के उदय में वेद विज्ञान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो पुण्य के उदय की जो मस्ती है वो रौद्र ध्यान है कि नहीं? अब बोलो पुण्य का उदय सुख रूप है कि दुख रूप है? सोचना जरा शांति से। तुम डर तो नहीं लगता कि मेरे को पकड़ लेते हैं? तू थोड़ा प्यारा लगता ना, इसलिए बोलता हूं। छोटे बच्चे होते ना, उनका दिल साफ होता है, बड़ों का दिल थोड़ा काला होता है। नहीं तो हमारे पास वाली को और आया है, पीछे बैठा है बच्चा, क्या नाम है? संभव। वेरी गुड, नाम बड़े प्यारे। संभव, दोनों से पूछता हूं ना, 10,000 रुपये पर मंथ की नौकरी मिलेगी तो लोगे? ले लोगे? ओनली 10,000, 10,000 का तो मकान नहीं मिलता। दृष्टांत हो, एग्जाम्पल, डरो मत। तो लोगे कि नहीं लोगे? बोलो भाई, तुम बोलो। नहीं लोगे? ओनली 2 घंटे काम करना बस, ओनली 2 घंटे, और 10,000 मिलते? बोलो, नहीं करो? 1 घंटा करना पड़े तो कर लो। चलो ठीक, 1 घंटा काम करके 10,000 मिले तो करोगे? ओके, अच्छा 20,000 मिले और 2 घंटा काम करना पड़े तो करोगे? रेडी, ओके। 40,000 मिले और 4 घंटा काम करना पड़े तो करोगे? 4 घंटा काम, 40,000 रुपये तनख्वाह, रेडी, पक्का। अब 80,000 में 8 घंटे काम करना पड़े तो करोगे? ओके, डरना नहीं ना। 1,60,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, लेकिन 16 घंटा काम करना पड़ेगा, करोगे? 1,60,000, सोचो, बोलो बोलो, 1,60,000 करोगे? बोलो, पर मंथ इन इंडिया, नॉट अमेरिका। बोलो बोलो। अब कोई भौंदू होगा वो कर लेगा, क्यों? वो 1,60,000 देख रहा है, 16 घंटा नहीं देख रहा है। मुझे कुछ कहना है इसमें, कहना है कुछ ऐसे कि पुण्य का उदय मैंने 1,60,000 16 घंटा खा जाता है, मंदिर छूट जाता है, इसके चक्कर में स्वाध्याय छूट जाती है, तत्व संगति छूट जाती है, माता पिता छूट जाते हैं, यदि लौकिक की भाषा में कहूं तो पत्नी बच्चे छूट जाते हैं 1,60,000 के चक्कर में। आदमी देखो पागल की तरह जीता हुआ, 16 घंटा। आजकल की जितनी नौकरी है वो 12-14 घंटा की है, 10 घंटे से कम तो मुश्किल है, 8-10 से स्टार्ट होती है, 8-10 घंटे से, और बढ़ते बढ़ते 12-14। और आजकल जो कहते हैं ना MBA, तो कंपनी बड़े प्यार से एक मोबाइल को देती, लैपटॉप 1,00,000 रुपए का, बड़े प्यार से कंपनी गिफ्टिंग यू। वो इतना खुश होता है, 1,00,000 का माल डोर, 1,00,000 का माल नहीं दिया, अब 24 आवर ऑनलाइन बने रहो। नहीं नहीं, 24 आवर्स ऑनलाइन बने रहो। आधी रात को मेल आ जाता है, बॉस का विचार, नया प्रोजेक्ट, नया टारगेट, अब वो विचार जैसा। 1-8 महीना तो थोड़ा मजा आता है उसे, थोड़ा बहुत, इसके बाद तो बेचारे की एक कुछ कहा मैंने, दृष्टांत छोटा था वो नौकरी का। बोलो, अभी तुम्हारे अरबों रुपए की इनकम हो, 10-20 फैक्ट्रियां हो अंबानी जैसी, तो तुम खुश होगी दुखी होगी? हाँ, मैं नहीं होऊंगा बेवकूफ है। अंबानी नंबर 1 का ढोर, मंदिर की फुर्सत नहीं, स्वाध्याय की फुर्सत नहीं, सत्संग की फुर्सत नहीं, खाने की फुर्सत नहीं। हो दिल्ली और बंबई में कभी, एक तो कार में चलते कम मिलेंगे लोग, क्योंकि बंबई में तो लोकल ट्रेन, अरबपति खरबपति भी कार में उसमें टंगे रहे, लोकल ट्रेन में, कार में कोई नहीं चलता। दिल्ली में मिल जाते हैं कार में चलने वाले थोड़े, तो दिल्ली में मैंने देखे, अर्ली जाना पड़ता निकल करके, 4-4 घंटे दूर गुड़गांव और नोएडा जाने, कहाँ जाना, तो बेचारे मालूम उसकी विशेष क्या करती है, एक दिन पहले पराठा तैयार करती है, एक दिन पहले शाम को, और फिर वो एक क्या कहलाती है, पन्नी होती है ना, पॉलिथीन, और वहां को
कुछ होती है, एक होती है अच्छी चमकी की थी ऊपर नहीं है। हाँ जी, वो भी पेपर होता तुम्हारा, वो चमचमाता है, ऐसे रोल कर देती है और उसी में थोड़ा सा जीरा मन लगा देती है, थोड़ा सा अचार लगा देती है। मैंने रियली जिनवाणी साक्षी में कह रहा हूं, मैंने देखा अपनी आंख पर, वो बेचारा कार ड्राइव कर रहा है और ऐसे खोदता जाता केले की छिलकी करे खाता है, वारे पप्पू मैंने ढंग से रोटी खाने की फुर्सत नहीं भाई साहब। का के उदय में कह रहा हूं, पुण्य का उदय में दिखा रहे हैं ऐसे टैलेंट को जिसने 14-16 घंटा 18 घंटा खुद की फैक्ट्री चलाने वाली ना, जो 8-8 10 फैक्ट्री और 24 आवर लगे उसी में, और एक झटका बहुत है मोदी जी का, जरा में GST, जरा में फला, जरा में नोटबंदी, उनसे पूछो जिन पे गुजरती हो कैसी मुसीबत आती है। एक एक परेशान है, मैं कुछ कह रहा हूं आपको, मैं सच कहता हूं, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, लेकिन मन मजे में बहुत हूं, और मैं जो पैसे वाले हैं ना इन पर दया आती है, रियल क्या जो बात करते हैं ना वो कह रहा हूं मैं, दया आती क्यों, इन्हें फुर्सत नहीं है तो सत समागम की। बंबई में तो फेमस है स्टोरियां फेमस है, बच्चे जो बच्चों से मिलते हैं ना तो वो कहते हैं बिकली पापा, नहीं समझ आए बिकली, नहीं मैं नहीं समझाया बिजली पापा, नहीं समझ बेचारे संडे टू संडे मिलते हैं बस, वो भी बड़ा भाग्य होए तो, नहीं होए तो वो भी बेचारा ना मिले, इतनी बुरी हालत है। सुना ऐसा पुण्य का उदय भी दुख है, ये कहना है मुझे, तुम्हें लग रहा पैसा बहुत आनंददायक है, पैसा आनंददायक नहीं है, हमारा समय जा रहा है, हमारी शक्ति जा रही है, हमारा उपयोग जा रहा है, हमारा समय दर्शन का चांस जा रहा है, नहीं चाहिए। मैंने तो जानबूझ के नौकरी छोड़ी, ऐसे पैसे का हम क्या करेंगे, जबकि मेरी नौकरी सबसे अच्छी थी, मैं इतना खुश था अपनी नौकरी में, मुझे मोह उत्पन्न हो गया था, मोह जो नौकरी मुझे 3 साल में छोड़नी थी वो 10 साल में छोड़ी, मुझे मोह था कि मुझे पढ़ाने के बड़ा शौक था, और कॉलेज के स्टूडेंट मुझे बड़े प्यारे मिले थे, तो पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आता था। मैंने इवन मैं संडे जाके पढ़ाता था, संडे मुझे इतना मजा आता था छात्रों का, मुझे मोह तोड़ने के लिए फिर 8 महीने की छुट्टी ली, 6 महीने की छुट्टी ली सर्विस ब्रेक की विदाउट पे, तब जाके उनका वो जो जुड़ान होता ना वो टूटा मुश्किल से, मोह उत्पन्न हो गया था, 3 घंटे का जॉब था ओनली पर डे, और साल में 4-5 महीने छुट्टी, इतना एंजॉय था मतलब, और इनकम भी बढ़िया थी, सब बात अच्छी थी, लेकिन नहीं चाहिए। यदि हमें एक पैसे की भी जरूरत नहीं तो अब हम नहीं करेंगे, हम अपना काम करें। समझना बेटे कुछ आर्ट में भी कह रहे हैं, पुण्य का उदय दिखाई तो अच्छा लगता है चमचमाता हुआ, लेकिन तुम्हारा सर्वस्व खा जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ा, एक गरीब आदमी मरता है एक अमीर आदमी मरता है, फर्क कुछ नहीं पड़ता, दो ही नरक में मिलते जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, यदि स्वाध्याय नहीं हुआ सत्संग नहीं हुआ तो सर फिर पुण्य की उदय की महिमा क्यों गाई गई है, जिनवाणी में पुण्य की उदय की महिमा क्यों गाई गई है, हम तो तारीफ सुनते हैं लोग बहुत पुण्य का उदय है, उनके पुण्य का उदय, तारीफ क्यों सुनते हैं, सुनोगे उत्तर सुनो, पुण्य का उदय उपचार से अच्छा कहा जाता है, तो काय का उपचार किसने अपना प्रयोजन साधते हैं उन्हें पुण्य के उदय को उपचार करते हैं, क्या बोला मैं, जो अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेते हैं उन्हें पुण्य का उदय कहने में आता है, जैसे दृष्टांत, सरल दृष्टांत, कैंसर हो गया और समय पर डॉक्टर मिल गया, बोलो पुण्य का उदय कि पाप का उदय, जैसा समझ गए क्यों पाप का उदय क्यों, कैंसर है और समय पर डॉक्टर मिल गया, बंबई गए फटाफट और एडमिट और डॉक्टर भी मिल गया, उसने 10 लाख फीस ली और मर गए, अब कौन समझ में है, यदि हम स्वस्थ हो जाते तो कहते पुण्य का हो जाए, पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया,
यदि हम स्वस्थ होकर लौटते तो हम यही कहते ये बहुत पुण्य का उदय है, अच्छा डॉक्टर मिल गया, अच्छा हॉस्पिटल मिल गया, बहुत बढ़िया हो गया, मजा आ गया। लेकिन भाई साहब डॉक्टर का मिलना पुण्य का उदय नहीं है, स्वस्थ होना पुण्य का उदय है। ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे प्रकट कर लेना, इसकी वजह से पुण्य का उदय कहने में आता है। हमें पुण्य की वजह से देश शास्त्रों मिली, अच्छी पत्नी मिली, अच्छा शरीर मिला, अच्छा पैसा मिला, अच्छी नौकरी मिली। अच्छी नौकरी मतलब अच्छे से सम्यक दर्शन कर लिया, ये अच्छी नौकरी। अच्छे से धर्म ध्यान किया, इसका नाम अच्छी फैक्ट्री। कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? लेकिन मिथ्या दृष्टि को क्या लगता है जी? आया बस ठीक, अब मलेशिया गाले की फांसी लग जाए। कुछ समझ में आ रहा कि नहीं भैया? सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे प्रकट किया, ध्यान रखना टारगेट फोकस फोकस। सम्यक दर्शन नहीं होना तो बेकार है जिंदगी, कोई मतलब नहीं। मेरी मत सुनो, मोक्ष में प्रकाशक जी ने लिखा है तुम कुछ भी प्रवर्त हो, ऐसा लिखा, तुम कहीं भी प्रवर्त हो लेकिन अवसर तो चला जाए। माने तीव्र कषाय में पाप में प्रवृत्ति होती है और मंद कषाय में पुण्य में प्रवृत्ति होती है। फर्क तो कुछ नहीं पड़ा, फर्क कुछ नहीं पड़ा, अवसर तो चला जाए, ऐसे लिखा है अवसर तो चला जाए। चलो बहुत लंबी खिंच गई गाड़ी, योग्यता समझ में आई सबको? तुम्हें प्रवृत्ति समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो तुम समझ नहीं करता हो कि योग्यता करने की करता है इसकी? ये योग्यता हम नहीं करते। आप में से कोई दान करता है? हाँ, उस समय दान देने की योग्यता होती है, वो दान करती है, तुम नहीं करते। आपने देखा है हॉस्पिटल में डॉक्टर चेकअप करता है, दवाई देता है और फिर रिएक्शन में मरीज मर गया। और डॉक्टर बहुत अच्छा था व्यक्ति। तो मैंने एक बहुत अच्छी चीज पढ़ी, अभी पढ़ी है, बहुत अच्छी चीज। तो डॉक्टर कैसा था? तो इतनी सुंदर बात लिखी है, पूरे वर्ल्ड के डॉक्टर की कॉमन साइकोलॉजी, डॉक्टर के इंस्ट्रूमेंट से इलाज नहीं होता। डॉक्टर के पास वो मेडिकल रिपोर्ट दिखा देते हैं, बोले लेना, उससे भी काम नहीं होता। डॉक्टर उसी रोग का निर्धारण करता है जो उस समय उसके दिमाग में चलता है। बहुत खतरनाक बात है, नहीं समझ में आई कुछ? डॉक्टर के दिमाग में जो चलता है ना, उसके अकॉर्डिंग इलाज करता है वो। और कई बार छोटे छोटे रोग में खतरनाक दवाई दे देता है वो, क्यों? उसके दिमाग में खतरनाक चल रही। जैसे तुम्हें सामान्य बुखार है और स्वाइन फ्लू के बुखार वाले पास चले जाओ गलती से, स्वाइन फ्लू समझते हो, तो उसके दिमाग में क्या घूम रही है? स्वाइन फ्लू। देखते ही सबसे पहले स्वाइन फ्लू का इंजेक्शन ठोक देगा। तुम्हारा रोग क्या है इससे लेना देना नहीं, उसके दिमाग में क्या घूम रहा है? मैं क्या समझा रहा? वो समय डॉक्टर की जैसी योग्यता होती है वैसा इलाज करता है। डॉक्टर इलाज करता है कि योग्यता? याद हो दृष्टांत पहला वाला? मुझे थोड़ा और आगे कहना, नींद तो नहीं आ रही किसी ने? अच्छा बढ़िया। महिलाओं का दृष्टांत दे दूं पहले? आप सही बताओ, आपके प्लान के अनुसार रोटी बनती है कि तत् समय की योग्यता के अनुसार रोटी बनती है? घर में हमारे पास 10 ऑप्शन है, 10 मतलब 4, 4 तरह की सब्जी फ्रिज में रखी है और 6 तरह की दाल है घर में, 10 हो गए आइटम। बोलो तो 10 प्रकार के आइटम है तो तुम्हारे ऑप्शन से सब्जी बनती है या उनमें से आज किसको बनना है उनकी योग्यता बनने की? सोचो क्या कह रहा हूं, उनमें योग्यता है उनकी सब्जी बनती है या तुम्हारे विकल्प के अनुसार बनती है? किसकी योग्यता, तुम्हारी की उनकी? अब इसलिए हम कह रहे तुम्हारा अहंकार झूठा है, हम बनाए थे ये बनाए, हम नहीं बनाए थे नहीं बनाए, हम बनाएंगे तो ये बनाएंगे, तुम्हारे विकल्प के अनुसार नहीं बनती। नहीं समझ आ रहे कुछ? अभी डॉक्टर क्या दृष्टांत दिया, डॉक्टर की योग्यता के अनुसार इलाज करता है वो, ऐसे उन वस्तुओं की योग्यता के अनुसार काम होता है। और तुम्हारी योग्यता, बोलू, तुम्हारी योग्यता केवल विकल्प की है एक, और दूसरी है ज्ञान की, जानने की, इसके सिवा तुम्हारी चलती नहीं। छोड़ दूं 10 मिनट के लिए आप लोगों को, आप चाहें तो कब सब कर लो आपस में, कर लो। बोलो कपड़े पहनते हो जी सर? तुम जी ठान के पहनेंगे सर? तो आज एक काम करो, आज तुम बैठ के वो बना लो लिस्ट,
फला दिन जी पहनेंगे, फला दिन नहीं पहनेंगे, इस दिन नहीं पहनेंगे, इस दिन पहनेंगे, और फिर वैसे कैसे पहन के बता दें, महिलाएं छान के बता दें, चलो इन्होंने लिस्ट बना दी वो 8 दिन की। लेकिन हो जाती है, तुम्हारे अनुसार होते हो। विकल्प की योग्यता जुदी है, ज्ञान की योग्यता जुदी है, और वस्तु की योग्यता जुदी है। मैं तो मात्र योग्यता का ज्ञाता। ये बात क्यों पढ़ा रहा हूं, गप्पे नहीं ठोक रहा हूं, टाइम पास नहीं कर रहा हूं, इससे सिद्ध कर रहा हूं कि तुम मात्र अकर्ता हो, तुम करता नहीं हो। डॉक्टर इलाज कर देता कि नहीं कर देता, कि नहीं कर पाता, उतना समय की योग्यता में जैसा ऑपरेशन होना है वैसा होता है, डॉक्टर के करने से नहीं होता। तुम परिणामों के करता हो नहीं, तस समय में जैसे परिणाम होना होते हैं, बोलो खोटी जगह पे अच्छे परिणाम होते हैं कि नहीं होते, सोच ले, खोटी जगह में, खोटी संगति में अच्छे परिणाम होते हैं कि नहीं होते हैं? जो तुम कह रहे हो नहीं होते, जो तुम चरणानियों से कह रहे हो, द्रव्यानियों के अनुसार योग्यता स्वतंत्र है। आपको पता है मनुष्य से ज्यादा सम्यक दृष्टि नरक में होती है, और नरक में मंदिर तक नहीं है। नमुकार मंत्र की माला भी नहीं फेर सकते, अभी तक टाइम नहीं मिलता, एक बार माला फेर ले, माला भी नहीं फेर सकते हो नरक में। लड़ाई झगड़ा है, बहुत मार काट है, कोई अश्विनी चौदस का कैलेंडर नहीं, कोई निर्वाण कल्याण नहीं, साफ सबसे ज्यादा सम्यक दृष्टि होती है हमारा संसार, मनुष्य से ज्यादा संख्या सम्यक दृष्टि। त्रियंश गति में कोई फैसिलिटी नहीं है, और पंचम गुण स्थान वर्ती सबसे ज्यादा वही होती है, पंचम गुण स्थान वर्ती मनुष्य से ज्यादा। नहीं समझ में आया कोई, चलो तो और समझाता हूं। दो मित्र थे, सुनी होगी स्टोरी आपने तो सुनी होगी बोरा जी, दो मित्र थे, एक मंदिर में गया प्रवचन सुनने के लिए, और एक पिक्चर में चला गया, सुना नहीं सुना हैं? एक पिक्चर देख के चला गया। बोलो भाई पुण्य कौन बांध रहा होगा, पाप कौन बांध रहा होगा, बोलो संभी संभव बोलो हैं? अच्छा पक्का, तो अब अपन देखते क्या होगा। वहां वो 3 घंटे बैठे बैठे पछता रहा, वो तो मंदिर में धर्म सुन रहा होगा, अपन कैसे गंदी चीज देख रहे, कैसे गंदे भाव कहाँ गए अपन, वो देखो धर्म कर रहा होगा, धिक्कार है अपने लिए संस्कारों के लिए, देखो उसके संस्कार, देखो उसके माता पिता, माँ भाग गया, अब उसका मन पिक्चर में बिल्कुल नहीं लग रहा, उसको भाव आने लग रहा, और वो उधर मंदिर में बैठे बैठे वो मजे में पिक्चर देख रहा होगा। कैसे हीरो हीरोइन, और कैसा डांस, वाला गाना चल रहा हुआ इस समय, क्या करूं मैं गया नहीं, यहां आ गया, मेरी किस्मत खराब है। कुछ समझ में आया क्या कह रहे हैं? योग्यता से संबंध है, क्रिया और क्षेत्र से संबंध, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कितनी योग्यता से कितनी स्वतंत्रता है, अब द्रव्य की स्वतंत्रता, क्षेत्र की स्वतंत्रता, काल की स्वतंत्रता, भाव की स्वतंत्रता, सबकी स्वतंत्रता हो गई। सुनो तुम नरक में भी चले जाओ तो डरो मत, योगदा से कल्याण कर लोगे, और सुनो मंदिर के भरोसे मत बैठे रहो, मंदिर में बैठने से कोई सम्यक दर्शन नहीं हो जाएगा। रेड सिग्नल सावधान, मैं जी नहीं कह रहा हूं मंदिर मत आओ, पंडित जी अच्छा बता दिया, तो हम टॉकीज में जाएंगे आराम से, पिक्चर की पिक्चर 2 in 1, ये नहीं कह रहे हैं हम योग्यता शक्ति पढ़ा रहे हैं तुम्हें, योग्यता स्वतंत्र होती है। सुना कोई तुम्हें मजबूरी में उठा के डाल दे वहां तो अभी सम्यक दर्शन नहीं रोक सकता। शेष सुदर्शन को और मुनिराज की कथा आती है, वेश्या और रानी वगैरह ने उनके साथ किडनैप कर लिया और उनके नाना प्रकार की हरकत की, इसके बावजूद भी चित्त से चलित नहीं हुई। रावण ने सीता का हरण कर लिया, नहीं सीता का चित्त हरित नहीं हुआ। कौन क्या सब किसे क्या समझ में आया कि योग्यता को बदलने में कोई समर्थ नहीं है, रावण में दम नहीं है तुम्हारी योग्यता बदल देने,
रानी में उसमें दम नहीं है जो श्रेष्ठ सुदर्शन का चित्र चलित कर दे वे। ये स्वाधीनता की चर्चा चल रही योग्यता शक्ति। दिगंबर मुनिराज है, दिगंबर मुनिराज और किसी ने उन्हें कपड़े पहना दिए, बोलो केवल ज्ञान हुआ कि नहीं होगा? मुनिराज है ना, कोई उनके ऊपर कपड़ा डाल दिया, कपड़ा डाल दिया, बोलो केवल ज्ञान हुआ कि नहीं होगा? सुना, वस्त्र के कारण उनकी योग्यता को बाधा नहीं पड़ सकती, केवल ज्ञान ले ली। तब तो पंडित जी बढ़िया बता दिया आपने, हम तो कपड़े पहने पहने मोक्ष चले जाएंगे। किसान यही तो कमाल है, तुझे कपड़ा पहनने की योग्यता वाला भाव इसलिए नहीं जा पाए, वे कपड़ा को अपने ऊपर नहीं देख रहे थे, शरीर के ऊपर देख रहे थे, आत्मा के ऊपर नहीं देख रहे थे, वे आत्मा में मग्न थे, उन्हें विकल्प भी नहीं आया इसका। सुनो, वे केवल ज्ञान लेके मोक्ष चले जाएंगे, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? योग्यता समझ में आ रही, कुछ अद्भुत है। फिर से बोलता हूं, फिर से योग्यता शक्ति समझ में आई। इसका मतलब यह है कि तुम्हें किसी की भी पराधीनता नहीं है योग्यता सुधारने के लिए, कोई बाधक नहीं तुम्हारे लिए, बाधक तुमको कोई ना हो, बस जगत में कोई बाधक नहीं। कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं समझ में आ रहा, मुझे और खोलना पड़ेगा, थोड़ी डेप्थ हो गई ना। सुनो, कई महिलाएं ऐसे रोती हैं, पंडित जी अब आप चले जाओगे, हमारे मंदिर में सूना पड़ जाएगा, कोई पंडित नहीं, कोई त्याग नहीं, ऐसे सूक्ष्म बताने वाले नहीं, कोई बताने वाला नहीं। रोज रहो, रोने की योग्यता है तुम्हारी से ना, तुम्हें आज के बाद कोई ना मिले तो भी तुम शुद्धात्मा का अनुभव कर सकते। जो स्वतंत्रता पढ़ा रहे हम तुम्हारे, हमने क्या कहा था? क्रियाओं के भरोसे मत रहो, मंदिर के भरोसे मत रहो, ऐसे वक्ता के भी भरोसे मत रहो। इतनी तैयारी, तैयारी हो तैयारी, अपनी योग्यता का निर्णय कर लो। सुनो, योग्यता का निर्णय करने वाले का मोक्ष कंपलसरी है। जैसे आप नहीं हुआ तो हम देंगे मोक्ष, करो योग्यता का निर्णय, भरोसे मत बैठो। जितने लोग कंप्लेन करते हैं ना, हमारा मंदिर अच्छा नहीं है, इंदौर बहुत अच्छा है, बंबई बहुत अच्छा है, सोनगढ़ और अच्छा है, और देवलाली और ही अच्छा है। सुन, तेरी योग्यता खराब है। क्यों? हीरा कहां अच्छा होता है? ये हीरा है, ये कहां अच्छा होगा? इंदौर में कि बंबई में? जब हीरा खोदे वैल्यूएबल है ना, वो जहां जाए वहीं उसकी वैल्यू है। ऐसे शुद्धात्मा को जहां देखोगे वहीं वैल्यू है, बाहर से वैल्यू नहीं देखो। ध्यान रखना, चरणानियों का निषेध नहीं चल रहा है, चरणानियों का निषेध नहीं चल रहा है, यहां द्रव्य स्वभाव की योग्यता चल रही है। और चलो, सोचना बहुत पड़ रहा है ना, मजा बहुत है, जोरदार है, बहुत जोरदार सब्जेक्ट है। अब थोड़ा आर्ट ऑफ लिविंग, चरणानियों, इसी में चरणानियों, इसी में चरणानियों। योग्यता का जो ज्ञाता नहीं होता वो हमेशा दुखी होता है। क्या बोला? जो योग्यता का ज्ञाता नहीं होता वो सदा दुखी होता है। इसके लिए इंग्लिश में एक शब्द आता है, ओवर एक्सपेक्टेशन। इंग्लिश में समझते हो? ओवर एक्सपेक्टेशन। तुम्हें अपनी योग्यता का भी पता नहीं है तो तुम अपने आप से भी ओवर एक्सपेक्ट करके दुखी होगे, और तुम्हें दूसरे की योग्यता का पता नहीं है तो ओवर एक्सपेक्टेशन से दुखी होगे। आपको पता है वर्ल्ड के सबसे बड़े दुख का नाम क्या है? एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन समझिए। देखो, दृष्टांत देता हूं, शायद ही कोई वर्ल्ड की मम्मी हो जो अपने बच्चों से दुखी ना हो। शायद ही कोई वर्ल्ड की मम्मी हो। क्यों? मम्मी की योग्यता बड़ी है, वो 30 साल की है, 35 साल की है, और पप्पू की तो 5 साल की बेचारी की। अब पप्पू की जो सीसी का मुंह है ना, वो इतना छोटा है, इतने की सीसी जैसा। 4 साल का बच्चे की योग्यता कितनी होगी? तुम्हें ए फॉर एप्पल कितना जबरदस्त है, सरल एकदम। और पप्पू को बोलो, अब उसको तो इतनी की सीसी में छेद होता है, देखा? देखी नहीं देखी वो, इतनी की सीसी का छेद, और मम्मी का छेद है बोतल जैसा, 1 लीटर की बोतल वाला। अब मम्मी अपने एक लीटर के 30 साल का एक्सपीरियंस उसमें ट्रांसफर करना चाहती है।
हर मम्मी पापा एक डायलॉग बोलते हैं, बेटा हमारे अनुभव से लाभ लो, हम गिर गिर के संभले हैं, हम नहीं चाहते तुम गिरो। मैं कहता हूं तुम गिर गिर के संभले, हम भी गिर गिर के संभलेंगे। कोई रास्ता ही नहीं। क्यों, आप में से कोई ऐसा है जिसकी टांग नहीं टूटी हो? ऐसे कोई पिताजी जिन्होंने ना सोची बेटा तुम्हारी टांग नहीं टूट जाए, एकदम साइकिल पकड़ ले रहे, भी पकड़े ही नहीं, छोड़ोगे कभी तो छोड़ोगे, और टूट पड़ी, गिर पड़ी, क्या क्या करोगे बेटा? क्यों, ऐसा कोई तलवारबाज है जिसे घाव ना हुए हो? बेटा तलवार तो चलाना सीखो लेकिन घाव ना लग जाए। तो घाव तो लगेगा ही, ये भी कुछ कह रहा हूं। इतने इतने से बच्चों को मम्मी इतनी बेदर्दी से मारती है, बेदर्दी से, पहला रो फर्स्ट रैंक, मेरा बच्चा स्कूल में फर्स्ट रैंक। मैंने कहा तुम फर्स्ट रैंक क्यों, फर्स्ट रैंक से नौकरी मिलती है नर्सरी में? नर्सरी की डिग्री से क्या मिलती नौकरी? मैं पता नहीं अम्मा को कब समझ में आई, 3 साल का पप्पू बेचारा इतना इतना गुलाब के फूल जैसा, इतना मासूम बच्चा, और अम्मा ठोके जा रही उन्होंने, ये नहीं बना पा रहा, इतना सरल है, इतना सरल, इतने दिन हो गए। देखा ना आपने बच्चों को पढ़ाया किसी ने? आप लोगों ने नहीं पढ़ाया होगा, आपको पता नहीं, नहीं से पूछ रही। 3 साल को पप्पू का बेटा होमवर्क कर लो, तो शुरुआत बड़ी सरलता से होती है, क्योंकि थोड़ा सा होमवर्क होता है, कुछ ज्यादा नहीं होता होमवर्क, नर्सरी LKG UKG कुछ ज्यादा नहीं होता, लेकिन वो ये लिखवाने में पसीना जाता है, ये लिखवा देना बच्चे का माने मम्मी का हिमालय चढ़ जाना। एक्सपीरियंस है कि नहीं? आज ले लेना पढ़ाना छोड़ा 3 साल के बच्चे में, तुम्हारे पेशेंस की परीक्षा होगी। पप्पू इतना प्यारा होता है, वो बैग खोलता है, पूरी किताब पटकता है, फिर एक किताब रखता है, फिर एक चीजें बनता है, फिर एक पेंसिल निकालता है, टूट टूट जाती है, फिर बनाता रहता है, मम्मी के दिल में बना ना, उसे बनती है नहीं, वो टूट टूट जाती है, मम्मी को पेशेंस नहीं रखनी चाहिए। फिर जैसे जैसे वो लिखने का मूड बनाता है, दोनों पैर पसार के उसे कॉपी रख ली, तो आड़ा टेढ़ा बनता है। तो उसकी मैडम ने कहा था बेटे रिपेयरिंग कभी नहीं, रिपेयरिंग समझ गए, मैंने वो पूरा फिर पूरा मिटाएगा, और तब तक मिटाएगा जब तक बिल्कुल मिट नहीं जाए। अम्मा को ऐसा लगता है क्या, तू एक काम कर जहां टेढ़ा ना वहां मिटा के लाइन सीधी कर दे, मतलब मम्मी का बस चले तो रिपेयरिंग से कपड़ा आए, वो बोलना ही बिल्कुल मिटा के 10 बार में एक ये लिखवाएंगे, बड़ी मुश्किल है, पिटता भी चाह रहा हूं। ये तो एक दृष्टांत दिया आपको, हर काम में पिटता है बच्चा, चक्कू से सब्जी बनाना हो तो पिटता है, झाड़ू पोछा कर रहा हो तो क्यों उधम मचा रहा है? ये भगवान ये काम ही ऐसा बता दे जब न पिटता है। इसे मैं कहता हूं 50 साल का एक्सपीरियंस और 5 साल की CC में ट्रांसफर करना बड़ा कठिन। कुछ मैंने एक स्टोरी सुनाई ना, ऐसी अनंत स्टोरी है तुम्हारे साथ, फिर से कहूं कुछ आपको योग्यता का ज्ञान नहीं है। मेरे को जितने लोग मिलते ना ब्रह्मचारी, वे मुझे भी दुखी करना चाहते हैं, खुद तो दुखी होते ही नहीं समझना है कोई ओवर एक्सपेक्टेशन। देखो अपने परिणाम नहीं टिक रहे, तो मेरे कितने परिणाम टिकेंगे, तुम कौन से गुण स्थान में हो? तुम मुनियों से कल्पना क्यों करते हो, मुनियों जैसी? तुम आज ही बैठो, क्यों तुम अभी बैठ जाओ? पता है मुनिराज को भी 5 सेकंड की एकांतता होती है, कितनी देर की? और आप लोग सामने बैठते तो क्या सोचते हो, ये भगवान चित्त नहीं लग रहा, कितना नहीं लग रहा? तुम 1 घंटा बैठना चाहती, आधा घंटा बैठना चाहती, तुम्हें दम है 1 घंटा बैठने में? योग्यता ही नहीं, ओवर एक्सपेक्टेशन क्यों करते हो? आप लोग पहली बार ही बैठोगे और ऐसे बैठना चाहते हो जैसे केवल ज्ञान, कुछ झलके ही नहीं, जे ओवर एक्सपेक्टेशन। मैं फ्री एंड कर देता हूं, आप बैठो सब झलकने दो, योग्यता जितनी होगी झलकेगा, जब क्या एक झलकना होता है जब झलकेगा, उसमें क्या दिक्कत है? आपको पता है
सम्यक दृष्टि हो तो रोज मेहनत करे रोज, तो 6 महीने में एक बार सम्यक दर्शन हो, माने स्वानुभूति एक बार हो, तुम रोज ही करना चाहे। पॉइंट पकड़ में आया? ओवर एक्सपेक्टेशन। अब हम मुनियों जैसे सोना चाहती, मुनियों जैसे खाना चाहती, मुनियों जैसे रहना चाहती, तो धोखे में हो आप, ओवर एक्सपेक्टेशन क्यों कर रहे हैं? स्वयं से भी हो आप। अभी बच्चे का एग्जाम्पल इसलिए दे, उसकी योग्यता नहीं समझ रहे इसलिए उससे ओवर एक्सपेक्टेशन से दुखी, और अपने आप से भी ओवर एक्सपेक्टेशन से दुखी। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? बोलूं और छोड़ दूं? मैं तो सोच रहा था 6 शक्ति चलाना थी, लेकिन एक ही शक्ति में टाइम लग गया 1 घंटा पूरा। 6 शक्ति चलानी थी मुझे कम से कम, कहो तो नाम बता दूं, छोड़ दूं, बहुत काम की बात है। फिर से बोलूं, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा दुख कौन सा है? योग्यता का निर्णय नहीं होने से ओवर एक्सपेक्टेशन। ये भगवान को उतनी भक्ति क्यों नहीं आ रही, उतनी एकाग्रता से पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, उतना ध्यान क्यों नहीं लग रहा, तो सेल्फ सुसाइड कह रहा हूं। डिप्रेशन माने सेल्फ सुसाइड, एनजाइटी कॉम्प्लेक्स माने सेल्फ सुसाइड। तुम योग्यता से ज्यादा सोच क्यों रहे हो? अब दूसरा फिर पर से दुनिया में शायद ही कोई पति पत्नी हो जिनमें झगड़ा ना हो, अजमेर को छोड़ के। अभी अजमेर में रहना ना चाहते हैं इसलिए कह रहे हैं लेकिन रियली कह रहा हूं, मैं तो गारंटी से कह रहा हूं, बिल्कुल मुझे पता किसी का नहीं, अवधि ज्ञान मना पड़ेगा केवल, लेकिन होता है। तो मैं बताऊं वो डायलॉग कौन सा होता है? वो डायलॉग एक ही होता है केवल, दोनों तरफ से, दोनों साइड से। शादी के पहले मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि तुम ऐसी निकलोगी, वो भी यही कहती है, हमें पहले पता होता कि तुम ऐसे हो, हम शादी तक नहीं करते। बिल्कुल एवर ग्रीन डायलॉग है, बिल्कुल आंख बंद करके लिखा जा सकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन होती है ना, उसको एक्सपेक्टेशन थी कि वो पत्नी होगी, वो ऐसे बोलेगी, हे आर्य पुरुष। आर्य पुरुष तो पुराण में चले गए, अब घर में थोड़ी बचे आर्य पुरुष, वो तो टीवी में ही अच्छे लगते हैं, हे स्वामी, हे देवी। अब ऐसी एक्सपेक्टेशन थोड़ी पूरी होगी। अब लड़की पिक्चर देख के आई ना, तो पिक्चर में वो स्टंट करता ना हीरो, तो उसे भी लगता है मेरा पति ऐसे मर्द होना चाहिए, जवाब मर्द स्टंट वाला हो। शादी वाला स्टंट वाला थोड़ी मिलता है, ऑर्डनरी मिलता है, तो उसे ऐसा लगता है कि यार ये तो ढिल्ले आदमी कैसे हो, अरे ऐसे ही है, ऐसे ही नहीं है, वो रियल आदमी है और वो नकली था वहां, वो रियल लाइफ थी और ये रियल लाइफ है, और रियल और रियल में तो मैचिंग होती नहीं है। अब जितने लड़के लड़की दुखी ना, वो रियल लाइफ से परेशान है, और रियल की एक्सपेक्टेशन रियल में कर रहे, दुखी हो गए। मैंने कुछ समझा दिया तुम लोगों को? रील के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो तुम पक्के में दुखी रहोगे, चाहे बच्चियां हो और चाहे बच्चे हो, दोनों से कह रहे बेटे कभी दुखी हो नहीं होना, ये बहुत सब स्पष्ट बात कह दी। हाँ, उस योग्यता का निर्णय करो, मजा करो, बहुत बढ़िया शक्ति है, तो दिन भर चूसो, रात भर चूसो, चूसते रहो, इतनी सुंदर शक्ति है। अब नाम सुना दू फटाफट? अब इतनी योग्यता में इतनी मेहनत कर ली तो नाम तो सुनी दो कम से कम, फिर जरूरत पड़ेगी तो कल सुबह सुना दूंगा, बहुत अच्छी अच्छी शक्तियां हैं, नाम ही सुना रहा हूं केवल। योग्यता शक्ति हो गई, अनंत योग्यता शक्ति, अनंतानंत योग्यता शक्ति, एक क्षणिक योग्यता शक्ति, एक समय की है ना वो क्षणिक योग्यता शक्ति, एक त्रिकाल योग्यता शक्ति जिसके कारण ग्रह में त्रिकाल की योग्यताएं पाई जाती है, त्रिकाल की योग्यता, तीन काल की योग्यता खासियत है, त्रिकाल की योग्यता शक्ति, एक नियत योग्यता शक्ति। नियत मतलब तीन काल की जिस समय जो पर्याय प्रकट होना है, ये नियत योग्यता है, तुम्हारे बदलने से बदलेगी नहीं, वो तीन काल की नियत है, वो सारी पर्याय नियत योग्यता शक्ति। हाँ, कितनी सुंदर। और एक है भिन्न योग्यता शक्ति, भिन्न भिन्न योग्यता है, दो समय की दो पर्याय है ना, दोनों की भिन्न भिन्न योग्यता है,
दो द्रव्य है ना, दो दो मनुष्य है, दोनों की योग्यता एक ही समय पे अलग अलग है। फिर से बोल दू एक अच्छा पॉइंट, छोड़ देता हूं इसके बाद, टाइम तो हो ही जाता है आपका, नींद तो नहीं आ रही। चलो अच्छा, यदि हमारे क्या नाम है इसका, संभी, इसको नींद नहीं आ रही तो मजा आ रहा है। मुझे बच्चों को देख के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे मतलब कम से कम 60-70 साल की गारंटी। अब पके पान हो 5-1 साल वाले, तो हमसे तो उतनी उम्मीद की हम करेंगे नारायणी में कोई बड़े लोग बच्चों से प्रेम इसलिए कहता हूं। चलो समझ में आ रही बात, सभी लोग ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात बता रहा हूं। आपके झगड़े मिटाने हैं बोलो, पति पत्नी के, भाई भाई के, मम्मी पापा के, सबके, वो यही है योग्यता का निर्णय कर रहा हूं। एक समय में दो जीवों की एक सी योग्यता नहीं होती। अक्सर मानो गर्व का झगड़ा होता है, जब 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 मेरी बात काट देती है, मेरी बात ही नहीं मानती, अपनी अपनी चलाती है। अरे अपनी अपनी नहीं चलाती, उसकी योग्यता स्वतंत्र है और तुम्हारी योग्यता स्वतंत्र है। क्यों, कोई किसी की बात को काटता है कि नहीं काटता है? काटता नहीं है, योग्यता स्वतंत्र है। दो व्यक्ति एक ही विषय पर एक जैसे विचार करके बताओ, कर दो चलो। अरे तुम दो समय के भिन्न योग्यता शक्ति, और एक ही दो समय, दो समय आप ही एक विषय पर दो विचार करते हो, दो समय में एक जैसा विचार नहीं कर पाते। थोड़ी देर पहले लगता है आज तो हम फला चीज खाएंगे, फिर मूड बदल जाता है, चलो कह रहे हैं। तो एक काम करो, शादी का सीजन चल रहा है कि नहीं चल रहा? अभी खत्म हो गया शादी का सीजन, अब नहीं बचा। मैंने कोई निमंत्रण नहीं, डिपर हाँ 13 से फिर आ रही ना, हाँ तो 13 अप्रैल को आपको डिपर सिस्टम का निमंत्रण मिलेगा, माने भोजन का। तो आप अभी से सेट करो क्या खाओगे, बोलो, सोचो। उस समय तक जाते जाते परिणाम बदल जाएंगे, भिन्न योग्यता। अरे उठाने जाते हो प्लेट लेकर के, देखते देखते भाव बदल जाता है, लेते लेते भाव बदल जाता है, और ले लेते तो खा नहीं पाते। आप क्या समझते हो? एक बहुत काम की बात बोलूं, मेरा तो चिंतन ऐसे ही चलता है थोड़ा, इसलिए कहता। सही बताना, तुमने कभी कोई पदार्थ का टेस्ट लिया? कभी नहीं लिया, इतनी जल्दबाजी होती है। जैसे मुंह में रसगुल्ला रखा, उसके टेस्ट पे ध्यान तक नहीं देती, मुंह में जाता रसगुल्ला वो चबना शुरू हो जाता है। अब दूसरा आइटम, और पहला जहां तक नहीं पाता और दूसरा घुटक देते, और दूसरा आइटम पूरा तरह से चब भी नहीं पाता, दो की मिक्सिंग का स्वाद हो जाता है वहां, पर वो नीचे नहीं उतर पाता, उससे पहले तीसरा डाल दे। तो तुमने प्योर टेस्ट कहां लिया किसी चीज का? गलत कह रहा हूं तो बता देना। अब प्योर टेस्ट लेने के लिए बहुत पैसे चाहिए, रसगुल्ला रखो चबने दो, मुझे घुटक ले, तब फिर नमकीन डालो। लेकिन नहीं, वो इतना तो पैसे कोई भी पास नहीं होता, और कह रहे रसगुल्ला खाया, हम कह रहे एक माई का लाल ने खाया तो बता दे। मैंने देखा है ऐसे, इधर दूध पी रहे, इधर से मक्खन डाल दी, फिर वो क्या 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 डाल दी, क्या क्या मखाने, और फिर कोई और नमकीन मीठा जी, इधर तो कैश कर ले रहे थे। और अब जाके देख लेते इस बार ले ले, तो ये चीज मुंह में जा नहीं पाती और दूसरा डालने शुरू कर देते। मैंने किया ना, इसमें लिखा है समय साथी, वेद वेदक भाव में भेद, भेद है भेद, वेद वेदक भाव में भेद है, काल भेद है। सूक्ष्म बात है, लेकिन मैं तो भैया आर्ट ऑफ लिविंग है हमारी, पे ठीक है विचार करना।